Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. फक्त कॅशलेस व्यवहार होतोय आणि जे पैसे देतील त्यांचा इलाज होतोय, नाही तर मग ते डायरेक्टली याला जात आहे. These scenes are from Malegaon Municipal Commissioner's office, where angry residents have gathered with their grievances. These residents are those who have lost their near ones due to COVID. Further harassed by ambulance drivers who overcharged them, these people allege that the crematorium staff also charge hefty amounts for cremating the bodies. आज हम मालेगांव महानगर पालिका के जो आयुक्त कमिश्नर साहब है इनको हमने आज निवेदन दिया है, जिसके बीच में हमने ये मांग रखी है कि जो कोविड हालात चल रही है, कोविड हालात के ध्यान में रखते हुए जो पेशेंट एक्सपायर हो जा रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल से लेके शमशान भूमि का अंतर केवल आधा किलोमीटर का भी रहते हुए भी एम्बुलेंस चालक 2.5 से 3 हज़ार रुपये की डिमांड मृतक के परिवार से कर रहे हैं. साथ ही साथ अंत्येष्टि का जो कर्म है उसके लिए 15,000 रुपया 20,000 रुपया और ये बात करते करते बात आखिर में ला के 8,000 10,000 रुपये तक करते हैं. परिवार वाले पहले ही घर का मुख्य सदस्य जाने की वजह से दुखित होता है और उसके दुख के ऊपर गर्म पानी लगाने का काम मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन कर रही है. हमने मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर से फिर से ये बात करी कि आप जल्द से जल्द गाइडलाइन तैयार करें और पब्लिक के लिए एक ठराविक बोर्ड तैयार करके पब्लिक को राहत देने का काम करें. सर, रामनगर स्मशान भूमि में जो कोविड के जो प्रेत जलाए जाते हैं वहाँ पे जो रेड गवर्नमेंट ने तय किए उससे कई ज़्यादा लूटमार की जा रही है. तो इसी वजह से हम कल माननीय आयुक्त साहब के पास गए. आयुक्त साहब के पास हमने जब कंप्लेंट की तो कंप्लेंट में सामने आया कि इतना पैसा लेना मुनासिब नहीं है. कोविड की बॉडी रहे या कोई और बॉडी रहे, धर्म सबको प्यारा है, वो मुस्लिम रहे या हिंदू रहे, धर्म के लिए सब सामने आते हैं, आगे आते हैं. लेकिन ये जो यहाँ पे हकीकत चल रही है सही सरासर हिंदू या मुस्लिम धर्म के खिलाफ है. अगर कोई कोविड की बॉडी यहाँ पे लेके आए थे, मेरी मौसी थी, मेरी मौसी जी का एक हफ्ते पहले देहांत हुआ कोविड हॉस्पिटल में. कोविड हॉस्पिटल में से वो जो मामू की जो गाड़ी है, गाड़ी में से उनको यहाँ लाया गया. यहाँ लाने के बाद उनसे पैसे की डिमांड की गई. पैसे की डिमांड थी 10,000 रुपये की, उनकी डिमांड 15, 10, 7. तब हम दोस्तों ने मिलके कंट्री की, उनकी आर्थिक सहायता की परिस्थिति भी नहीं थी देने की. उनके खिसे में 500 रुपये भी नहीं थे. 500 रुपये के बजाय हम सब 10-12 लोग ने मिलके 500-700 रुपये मिलके उनको दिए हाथ में. 7,500 रुपये में उन्होंने अंतिम संस्कार किया. जब हमने उनको क्वेश्चन पूछा कि आप इतने क्यों ले रहे, तो उन्होंने रिप्लाई में जवाब दिया, हमको गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, हम क्या अपने खिसे में से डाले. द डिस्टेंस बिटवीन द हॉस्पिटल and the crematorium ground is hardly 500 meters. But the ambulance drivers charge them more than 7,000 to ferry the body. Even after reaching there, the crematorium staff refuses to touch the body. They again threaten the relatives by saying that the virus will infect them too and the funeral cannot be done if they don't pay them their desired money. तो मैं ये नहीं मुनासिब समझता कि मरने के बाद में भी वो मरने वाले को लूटना चाहिए, जबकि कोरोना के अंदर बहुत से पेशेंट मर जाते हैं और उनकी अंत्यविधि करने के वास्ते, मतलब समझ लो उनको दफनाने के वास्ते, जलाने के वास्ते जो सरकार खर्चा मुकर्रर करती है, वो सरकार के खर्चे से मुकर्रर करना तो दूर है, मगर उससे हटके भी वहाँ पर उससे डबल ट्रिपल पैसा वसूल किया जाता है. जबकि उस समय जो कोविड सेंटर में अगर वो गुजर गया तो उसको वहाँ से यहाँ तक लाने के वास्ते फैसला सिर्फ आधा किलोमीटर का भी नहीं है, मगर उससे 2.5 से 3 हज़ार रुपये लिया जाता है. रही बात, उसके बावजूद कुछ दलाल ऐसे तैयार हो गए कि भाई तुम इस ढंग से अगर इसको जलाएंगे तो तुम्हारे को 15,000 रुपया खर्चा आएगा, इस ढंग से जलाएंगे तो तुम्हारे को 12,000 आएगा. ऐसा करते करते जैसा ज़मीन का भाव उतरता है बढ़ता है, वैसा वो जनाजे का भाव तय करते हैं, मुर्दे का भाव तय करते हैं. ये मुर्दे के सौदागर सौदा करने के बावजूद 8,000 के ऊपर रुक जाते हैं और सामने वाले से 8,000 रुपये हासिल होने के बाद में उसको जलाया जाता है. तो ये सब चीज़ जब देखी हमने आँखों से,
या सुनी ऐसा नहीं, जिनके ऊपर बीती उन्होंने हकीकत हमारे तरफ बयान किया कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा जुल्म हो रहा। वो जुल्म के हिसाब से हम तुरंत कॉर्पोरेशन में पहुंचे। दीज रेसिडेंट्स हैव नाउ थ्रेटन्ड टू कैरी ऑन मास प्रोटेस्ट आउटसाइड द म्युनिसिपल कमिश्नर्स ऑफिस इफ दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट स्टॉप्ड। दो मालेगांव has recorded few numbers compared to that of last year, but such incidents add up to the misery and trauma of those who have lost someone due to COVID. It is truly said that even in Malegaon, there is no dignity in for deaths whatsoever. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo Story, Malegaon. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.